जय श्री राम। आज का विषय है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण लेख है। उस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, किंतु चरित्र बल व योग्यता के कारण चंद्रगुप्त ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी ईसा पूर्व 320 में चुना। दरबार के सामने राजा ने नेत्रों में आंसू भरकर अपने पुत्र से कहा, तुम योग्य हो, इस सारी पृथ्वी पर शासन करो। इस घोषणा से दरबारियों में भारी प्रसन्नता हुई। पड़ोस के राजाओं ने उनके उत्तराधिकारी का स्वीकार नहीं किया और अनेक राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु समुद्रगुप्त सब आपत्तियों पर विजयी हुआ और शीघ्र ही अपनी स्थिति को दृढ़ कर लिया। समुद्रगुप्त के सिंहासन रूढ़ होते समय भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल थी। पश्चिमी पंजाब तथा सीमांत प्रदेशों पर कुषाणों की सत्ता अभी भी मौजूद थी। मालवा और मध्य भारत तक अनेक स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। इलाहाबाद लेख से स्पष्ट होता है, देश में फैले हुए छोटे छोटे राज्यों को परास्त कर उदारतापूर्वक उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने अधीनता मान ली और कर देना स्वीकार कर लिया। इससे चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता तथा व्यवहार कुशलता का पता चलता है। जिस पर स्वयं सम्राट शासन करता था, उसी की उत्तरी सीमा हिमालय के समानांतर पंजाब, लाहौर, करनाल होती हुई चंबल, यमुना संगम से नरवर व जबलपुर तक थी। शेष राजा अधीन होकर राज्य करते थे। पश्चिम में 9 तथा दक्षिण में 12 गणराज्य थे, जो सम्राट की ही आज्ञा से शासन चलाते थे। समुद्रगुप्त की विजय की ख्याति देश देशांतरों में फैल गई। मालवा, काठियावाड़ तथा उत्तर पश्चिमी भारत के स्वतंत्र शासक भी उनकी मैत्री व संरक्षण की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने भेंट देकर सम्राट को प्रसन्न किया। अधीनस्थ शासक अपने राज्य पर शासन करने के लिए गुप्त सम्राट से आदेश प्राप्त करते थे। चीनी अनुश्रुतियों के अनुसार सिंहल द्वीप यानी लंका के राजा मेघवर्ण ने चंद्रगुप्त से दूत द्वारा अनुमति से बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ बनवाए, जो चीनी यात्री युआन च्वांग की भारत यात्रा 7वीं शताब्दी तक विद्यमान थे। सिंहल द्वीप ने राजा की अधीनता स्वीकार की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सम्राट समुद्रगुप्त ने विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोककर और दृढ़ केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। इतना बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त ने अपने सैनिक पराक्रम से स्थापित किया था। इलाहाबाद की प्रशस्ति ने 100 युद्धों का वर्णन किया है। अपनी इन विजय यात्राओं के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और अंत में ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा दी। इस अवसर पर एक प्रकार के सिक्के भी चलाए, जिन पर एक ओर यज्ञ यूप से बांधा हुआ घोड़ा खड़ा है और दूसरी ओर चंवर लिए पटरानी की मूर्ति अंकित है। सम्राट का विरुद्ध अश्वमेध पराक्रम उस पर खुदा हुआ था। हरिषेण ने समुद्रगुप्त की प्रखर बुद्धि, विद्वत्ता तथा काव्यात्मक प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की है। आगे कहते हैं, काव्यात्मक रचनाओं के कारण कविराज की उपाधि धारण कर ली थी। वीणा बजाने में कुशल होने के कारण कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। राजा दानी और दयालु भी था और विद्या का संरक्षक भी। समुद्रगुप्त की मुद्रा पर गरुड़ की मूर्ति अंकित रहती थी। इससे स्पष्ट होता है
कि वह विष्णु पूजक था। शुंग सातवाहन भारशिव और वाकाटक राजाओं की भांति समुद्रगुप्त एक महान शासक था। उसका काल भारत का स्वर्णयुग कहलाता है। भारत माता की जय।